सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आया है, मैं देख रहा हूँ अलग अलग मत प्रवाह यहाँ देखने को मिले। और लोकतंत्र में इस प्रकार से अलग मत प्रवाह जब होते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, कल से सुन रहा हूँ, ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करे वो देशद्रोही है। और जो बिल का समर्थन करेगा वो देशभक्त है। सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया शांति रखें। मैंने ये भी पढ़ा है, अभी सुन रहा था। प्लीज आप बोलने दे उन्हें, आप उनकी बात सुनिए। संजय जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है, यहाँ हो या वहाँ हो, हम इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता ने सबको वोट किया है, यहाँ भी किया है, वहाँ भी किया है, और देश की जनता ने वोट किया है। तो पाकिस्तान के नागरिक की असेंबली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को खत्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले, और बीच तो में हम है आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक के उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। आसाम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है, वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहता हूं। और हमारे 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 स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में दो जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है, जो शहीद हुए उनके परिवारों, तो देशद्रोही तो नहीं है। मैं मानता हूं ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें यह भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है, तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? निकलना समय चाहिए तो निश्चित है ना, गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। नहीं नहीं, चुनाव के रैली में भी आप ही लोगों ने तय किया है, बैठकर समय है। इस देश के एक एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, और मानवता के आधार पर हमको संजय जी अब उनको स्वीकार करना चाहिए। कंक्लूड करिए, उनको स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, संजय जी कॉन्क्लूड कर, दो मिनट अधिक हो गया, दे सकते हो। मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा, कॉन्क्लूड करें। जैसे कि मेरी पार्टी ने कहा है कि ये सभी लोग कितने हैं, जैसे आपने प्रस्ताव में कहा गृह मंत्री जी ने कि लाखों करोड़ों लोगों की ये वेदना और उनकी आशा की बात अपने की, लाखों करोड़ लोग आप यहां अगर ला रहे हो तो क्या उनको वोटिंग राइट मिलेगा? मुझे लगता है 20-25 साल तक उनको वोटिंग राइट अगर आप नहीं देते हैं, श्री श्री कोई देश में बैलेंस रहेगा नहीं? नहीं, आप दूसरी बात है, अगर शरणार्थी की है, 3 मिनट का समय है, मैंने 5 मिनट दिया, श्री प्लीज डोंट टेल मी, श्री मनोज कुमार झा, तो देखिए देखिए हमारे देश में प्लीज कंक्लूड, लाखों कश्मीरी पंडित जो शरणार्थी है, कंक्लूड कंक्लूड, तीन से सत्तर हटाने के बाद जी ऑलरेडी यू हैव टेकन 6 मिनट्स, उनके भी मन में आशा की उम्मीद जागी थी, संजय जी कंक्लूड, कि हमारे गृह मंत्री जी अगर मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा फिर श्री श्री प्रफुल्ल पटेल नहीं देन आई विल कॉल अदर, अब श्री संजय जी की बात नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले, अगर आप नहीं बोले दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये देशद्रोही है, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा सब, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। मगर आज मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं, कैसे कैसे रंग बदलते हैं मान्यवर, मान्यवर मिस्टर भाई को प्लीज सिट डाउन, Mr. Vaiko, Rangarajan, that nothing is going on record. You have to sit, and once the minister concludes his meeting, then Mr. Vaiko, I have to name you. Manyavar, don't provoke me further. This is the sixth time today. You are defying the chair and then speaking at you as you like. You can't do it. Please sit down. Please sit down. Don't create a unhealthy situation. Lok Sabha mein. शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, मुझे न बताए, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदल दिया। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा, संजय जी बाद में, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा 2014 की, 2014 की डेट इस बिल में क्यों रखी है? मैं माननीय सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय ये बिल हम 2015 में लेकर आए थे, तब भी इसका प्रोविजन यही था, ये बिल को थोड़े बदल जो सबसे चर्चा करके सुझाव आए थोड़ा बदला, तब उसको वो डेट को वो की वो रखा गया है 2014 की, इसमें और कोई हमारा आशय नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने पूछा कि मुस्लिमों को क्यों छोड़ा, मुस्लिमों को कोई नहीं छोड़ा है, मुस्लिम वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ना इन पर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए यहाँ से लिया है। मनोज झा जी ने कहा कि इतिहास तय करेगा, मनोज झा जी निश्चित रूप से इतिहास तय करेगा कि 70 साल तक ये लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित, लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। माननीय सिक्किम के माननीय सदस्य ने 371 को डाइल्यूट न करे ऐसा मुझे कहा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ ये बिल किसी भी तरह से 371 ऐप को डाइल्यूट नहीं करता है, सिक्किम को 371 ऐप में मिले हुए सारे अधिकार आबादी थे। कपिल सिब्बल जी ने कहा
कि आर्टिकल 14 की तो मैंने बात करी ही। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।